टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कॉरपोरेशन चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, ऐसे में अब एक दूसरे के वार्ड में जाकर लोगों को नेता अपने अपने तरफ खींचने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है मुंब्रा के सम्राट नगर में। बिल्कुल मुंब्रा बाईपास से लगकर शौचालय की परेशानियों को लेकर रीता रशीद और स्थानीय नगर सेविका सुनीता ताई सातपुते की तरफ से पल्लवी शिवा जगताप वहां रहने वाली तमाम महिलाओं को अपने अपने तरफ खींचने की कोशिश में लगी हुई है। पहले रीता रशीद महिलाओं से मिलने के लिए पहुंची और फिर पल्लवी शिवा जगताप वहाँ महिलाओं से मिलने के लिए पहुंची थी। दरअसल आपको बता दें कि शौचालय की खराब स्थिति को लेकर कुछ स्थानीय महिलाओं ने रीता रशीद से शिकायत की थी। एक दिन पहले ही रीता रशीद इन महिलाओं से मिलकर आई थी, जिसके बाद इन महिलाओं को डराने धमकाने की बात सामने आई कि स्थानीय नगर सेविका की तरफ से इन्हें डराया गया है, ये कहते हुए कि हम हमेशा यहीं पर रहते हैं और बाहर के लोगों को लाकर राजनीति मत करो। वहीं पल्लवी शिवा जगताप ने बताया कि महिलाओं को किसी ने नहीं डराया धमकाया है। हालांकि शौचालय के पाइप कई जगह फूटे हुए हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी बाहर निकलकर बहता रहता है। पल्लवी शिवा जगताप ने बताया कि हमेशा साफ सफाई होती है, मगर जैसा साफ सफाई चाहिए वैसा नहीं हो पाया है। जल्द ही इसका पूरा काम नगर सेविका सुनीता ताई सातपुते की तरफ से कराया जाएगा। वहीं रीता रशीद ने भी कहा है कि हम मनपा से पत्र व्यवहार करके शौचालय को ठीक कराएंगे। अब सवाल उठता है कि राजनीतिक रंग में लग रहा है कि दोनों तरफ से खेल हो रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये शौचालय ठीक कौन कराता है। रही बात स्थानीय महिलाओं की, तो ये स्थानीय महिलाएं रीता रशीद जब आई थी तो उनके भी साथ खड़ी हुई नजर आईं, और जब नगर सेविका सुनीता ताई सातपुते की तरफ से पल्लवी शिवा जगताप वहाँ पहुंची तो ये महिलाएं उनके साथ भी खड़ी हुई यहाँ पर नजर आई। हालांकि ये महिलाएं दोनों तरफ से सामने आई हैं। ऐसे में रीता रशीद ने पल्लवी शिवा जगताप और स्थानीय महिलाओं ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है। मैं अभी सम्राट नगर रमेश चाल में हूँ, यहाँ पर शौचालय है। अब इसमें एक मैं जो हमारी संस्था काम कर रही है कुछ कार्ड वगैरह योजनाओं करने का, तो मैं उसी के सिलसिले में आई थी। तो बहन लोगों ने मुझे शौचालय दिखाया, जो पानी है और जो गंदगी है सब बाहर गिर रहा है और अंदर जा नहीं सकते हो, इतनी गंदी बदबू है। जो हिसाब से देश में अपनी जो चल रहा है वो हिसाब से गंदगी हमें दूर रखना है हमारे से, लेकिन अंदर जाएंगे तो इतनी गंदगी है वो फ्लश नहीं होता है, जाता नहीं है, सब भरा हुआ है। जो हमारे नगर सेवक लोग हैं आते हैं, देखते हैं, नीचे रहते हैं, लोगों को धमकी देने ऊपर तक आ जाते हैं, लेकिन शौचालय के काम के लिए कोई नहीं आता है। ये लोग मुझे लगता नहीं है कि मुझे आज बोल रहे, आप लोग ने मुझे पहले बार बोला है या और भी किसी को बोला है? जाके बोले थे मैडम, म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में भी जाके बोले थे। तो कुछ हुआ नहीं, नहीं। इनसे ही पूछे इन्होंने क्या क्या किया है, इनसे ही पूछे। किसके पास गए थे आप लोग शिकायत लेने? म्युनिसिपैलिटी में गए थे हम लोग, सब भाई लोग गए थे मिलकर। क्या कहा गया वहाँ पर? बोले भेजेंगे भेजेंगे, भेजेंगे। कितने दिन पहले गए थे? अभी हो गया एक दो महीना हो गया उससे पहले। कोई आया था वहाँ से? आए थे, ठीक करके गए, फिर से वो भर गया। पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं राष्ट्रवादी की पदाधिकारी हूँ, मेरी माँ यहाँ पे कॉरपोरेटर है, मैं खुद कॉरपोरेटर नहीं हूँ। तो मैं अपनी माँ के जरिए यहाँ पे काम कर सकती हूँ। अभी आपने कहा कोई मैडम आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन उनको क्या अधिकार है कि महानगर पालिका की जो वास्तु है उसका वो काम करके देंगे? किस मलबूते पर उन्होंने मनपा से पत्र व्यवहार करने के बाद करने के लिए कहा है? तो कॉरपोरेटर्स जो पिछले 5 साल 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, कई मर्तबा उन्होंने इस टॉयलेट का काम भी किया है। अभी बीच में कोविड के कारण की वजह से कुछ चीज़ें यहाँ पर डिले हो गई है। अभी आवड़ साहब ने 2 दिन पहले ही कहना है कि यहाँ के लोग आपको शिकायत कर रहे थे, आप लोग सुन नहीं रहे। साफ सफाई करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन जैसा साफ सफाई होना चाहिए वो नहीं हो रहा है।
आप इसके बाद लोगों ने उनको यहाँ बुलाया था, ऐसा उनका कहना है। आप ये चीज़ यहाँ के जो स्थानिक लोग यहाँ पे खड़े हैं आप उनसे ही पूछ सकते हो कि जब इन्होंने कंप्लेंट किया है तो उस वक्त यहाँ पे नगर सेवक ने कर्मचारियों को भेजा है कि नहीं भेजा है। अब रही बात कर्मचारी काम कैसे करते हैं या क्या करते हैं, कई मर्तबा कॉर्पोरेटर ने यहाँ के उनको पत्र व्यवहार किया है कि यहाँ पे ठीक से अगर काम करने के लिए आते हैं तो कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी है कि खड़े होकर देखे, जरूर जिम्मेदारी है काम कैसा। अभी शौचालय की हालत यहाँ काफ़ी ख़राब है, पानी लीकेज है, सब घरों में भी लोगों के जा रहा है, तो इसलिए लोगों ने आपने सही कहा कि यहाँ पे कैसा है। अगर कोई म्यूनसिपैलिटी की हम लोगों ने जब स्टडी किया कि टॉयलेट के बारे में, तो एक वास्तु जब भी टॉयलेट की बनती है तो 30 साल तक जब तक वो धोखादायक नहीं घोषित होती, लेटर में वो ठहराव मंजूर महानगर पालिका में नहीं होता, तब तक आप उसको तोड़ नहीं सकते, आप उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। अभी ये वास्तु मुझे लगता है कि 10 साल पुरानी है और वो 10 साल पहले जो उसको बनाया था, तो उसके बाद 3 से 4 बार यहाँ के नगर सेवकों ने, सिर्फ मेरी माँ ने ही नहीं और भी नगर सेवकों ने अपना निधि यूज़ करके 4 कॉर्पोरेटर है यहाँ पे टॉयलेट का मेंटेनेंस किया है। अभी हम कैसे यूज़ करते ठीक है। कुछ दिन पहले भी रीता मैडम यहाँ पर आई थी, 2-3 दिन पहले, तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली तो आप लोगों ने यहाँ के लोगों को आके डराया धमकाया था? नहीं, हमें यहाँ के लोगों को डराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारी पैदाइशी है, मेरी माँ की पैदाइशी है, उसके बाद मेरी भी यहाँ की पैदाइशी है, मैं पैदा हुई हूँ तब से ये सब मौसियाँ, मैं तो ऐसे भी बोल सकती हूँ कि इन्होंने मुझे पाल पोसने में इनका भी हाथ है। ये कचरा किधर फेंकेंगे, लोग है तो कचरा रहेगा, कचरे की जिम्मेदारी, ये कचरा किधर जाएगा, लोग ही फेंकते हैं ना, कोई दूसरा लोग आके इधर नहीं फेंकते। और इधर घूस है, चूहा है, वह लोग तो वो यह करते हैं, निकालते हैं, और वह यह कचरा सब बीच में पाइप में अटक जाता है और बाथरूम भर जाता है, और भर जाने के बाद हमने बार बार ताई को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक बार बोले तो वह साफ सुथरी कर, हाँ तुरंत आ जाते हैं। और हम शुरू से इधर आए, हम